कोई भी चीज रिपेयर करने से पहले उसका प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, केपीटी कंपनी का मार्बल कट जो कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास आया है रिपेयर होने के लिए। तो कस्टमर का कहना है वो मशीन कभी कभी चल रहे, अपने आप कभी कभी नहीं चल, ऐसा हो रहा है, और जब चल रहे तो हमेशा आग जल रहा है, ऐसा कह रहे। तो उसको तो रिपेयर करना है इस वीडियो का अंदर। उससे पहले हम लोग उसका उसमें प्रॉब्लम क्या है समझते हैं, उसके बाद रिपेयर कर देते। कोई भी चीज़ रिपेयर करने से पहले उसका प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों आज का इस वीडियो में पहले उसका प्रॉब्लम समझते हैं, उसके बाद उसका रिपेयर कर देते, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा होने में हमें तीनों चीज़ देखना है। पहले पहले देखना है अंदर, दूसरा उसमें बियरिंग वगैरह ख़राब हुआ है या नहीं, बियरिंग को देखना पड़ेगा, उसके बाद फील कॉइल देखना पड़ेगा। इस तीनों चीज़ ध्यान से देखना है, या उसका अंदर जो प्रीमियम सेट है उसमें ग्रीस भी थोड़ा कम हो सकता है, ये सब कुछ देखना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग उस मशीन को खोल लेते और रिपेयर कर दें। तो चलिए तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस मशीन को चेक कर लेते हैं, ये मशीन चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग इसमें बिजली डाल दिया है, बिजली दे दिया, स्विच दबाने में नहीं चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा घुमा देता हूँ उसके बाद भी नहीं चल रहा है, देख लीजिए आप लोग, मतलब ये मशीन बिल्कुल डेड है पूरा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसको खोल लेते हैं। कार्बन तो थोड़ा बहुत कम हो गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब आर्मेचर में तो आग जल रहे थे इसलिए ऐसा होगा हुआ है कार्बन में। दूसरा कार्बन तो मतलब ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो स्विच है ना, स्विच को देखूंगा, ठीक है, स्विच अच्छा है या खराब है, ठीक है। तो पहले स्विच को चेक कर लेते हैं और केबल को भी चेक कर लेते हैं सीरीज क्वार्ट्ज के मदद से, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये वायर तो ओके है, इसका वायर ओके है, इसका स्विच भी ओके है, दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं, मतलब स्विच भी ओके है, वायर भी ओके है। तो हम लोग फिर फिटिंग कर देता हूँ, उसके बाद उसका बॉडी को खोलूँगा, आर्मेचर को बाहर निकालूँगा, ठीक है। वीडियो को ध्यान से वॉच करना, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग इसी तरह वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो फील कॉइल वो तो मतलब बिल्कुल ओके है, दिखाई दे रहा है, मतलब इसका जो पेनियम है ना वो तो थोड़ा जाम हो गया, और इसका जो आर्मेचर आप लोग देख सकते हैं कोमोटर में किया हुआ है, ठीक है। उस कोमोटर का जो गैप है ना उसमें लोहा का टुकड़ा गया है लगता है, ठीक है। ये बियरिंग भी अच्छा है लेकिन पेनियम में थोड़ा ग्रीस कम हो गया इसलिए जाम हो रहा है, जाम लग रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग खोल के देख लेते हैं। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे ग्रीस नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा जाम लग रहा है। इसका अंदर देख लीजिए ग्रीस नहीं है,
गियर बॉक्स में तो ग्रीस रहना चाहिए, अगर ग्रीस नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। चलिए हम लोग गियर बॉक्स को खोल लेंगे, देखते हैं और देखते हैं अंदर ग्रीस है कि नहीं। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे ग्रीस नहीं है, थोड़ा बहुत कम है ग्रीस, मतलब सूख गया है, जो है वो तो सूख गया है। उसका अंदर जो छोटा वाला बियरिंग वो भी तो ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आर्मेचर में जो कार्बन पड़ा हुआ है उसको तो निकालना है, तो इसलिए हम लोग सीरीज कागज का मदद से उसको थोड़ा सा रब कर देते हैं और साफ कर देते हैं अच्छे तरीके से। इसी तरह आप लोग कीजिएगा। और कमोटर का जो गैप है ना, गैप में हर एक गैप को अच्छी तरीके से साफ कर देना है, क्योंकि वहाँ पे लोहा का टुकड़ा जा सकता है। अगर लोहा का टुकड़ा वहाँ पे जाएगा तो ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है, एडमिशन में आग जल सकता है, इसलिए उसको बढ़िया से साफ करना है। उसका बावजूद भी अगर मशीन नहीं चलेगा तो समझ लेना उसका एडमिशन खराब हो गया है। तो हम लोग पहले इसको साफ करके फिटिंग करके देखूंगा, ठीक है, बढ़िया से साफ करना है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को साफ करना हो गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको फिटिंग कर देते हैं और बाद में ग्रीस कर देते हैं, पहले मशीन को फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद गियर बॉक्स में ग्रीस डाल के गियर बॉक्स को फिट कर देते हैं। उससे पहले आर्मेचर को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं सीरीज कट्स से मदद से, ठीक है, मतलब सीरीज वायर को एक कमोटर का एक पिन में लगाना है और एक एक पिन करके चेक करना है, जहाँ पे लगाना है वहाँ मार्क लगाना है, ताकि समझने में अच्छा हो। जिस तरह मैं चेक कर रहा हूँ ना, इसी तरह चेक कीजिए। हर एक लीड में, हर एक पिन में कनेक्शन होना चाहिए और बॉडी नहीं होना चाहिए, तो आर्मेचर तो ठीक है, आर्मेचर तो डिसकनेक्शन नहीं है, आर्मेचर तो डिसकनेक्शन नहीं होता है दोस्तों, आर्मेचर तो शॉर्ट होता है ना, कभी कभी डिसकनेक्शन भी होता है, इसलिए मैं चेक कर लिया। चलिए पूरा मशीन को फिटिंग कर लेते हैं। गियर बॉक्स का अंदर ग्रीस डालना है, कैस्ट्रोल का ग्रीस डाल रहा हूँ, थोड़ा सा ग्रीस डालना है। उसके बाद इस पेनियम में ग्रीस लगाया, उसके बाद लगा देता हूँ। अच्छे तरीके से ग्रीस लगा के फिटिंग करना है, ठीक। चलिए फिटिंग कर लेता हूँ और नया कार्बन भी लगा देता हूँ, ग्रेनोली कार्बन को मतलब चेंज कर दिया है। तो हमारा मशीन तो फिटिंग हो गया, आप लोग देख सकते हैं हमारा मशीन अच्छे तरीके से मतलब चल रहा है, और मशीन का जो प्रॉब्लम थे पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, मतलब अभी मशीन ठीक है। तो आज का वीडियो इतना था, मुझे अपनी वीडियो में तब तक चाहिए।